afternoon. Pehle DJ, aaj ka trade at 2. Achha, very good afternoon. Raymond hai jo buy karke chalna chahiye. Bahut hi shandar chart pattern hai. Do teen reasons hai isme. Ek to ek bahut bade consolidation yani 3 mahine ke consolidation ke breakout dekhne ko mil raha hai. Volumes, record volumes ho rahe hai. Abhi aur ek 1.5 ghante ki baki hai to mera manna hai ki aur bhi volumes badhte hue nazar aayenge. तीसरी बात एंड ऑफ डे चार्ट पैटर्न पे इसने एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न किया है जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं तो इसका टारगेट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा और तीसरी बात है कि डेरिवेटिव डेटा में अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखते हैं तो रेमंड्स में करीबन ओपन इंटरेस्ट एडिशन 11% के ऊपर के देखने को मिल रहे हैं 14% बढ़ गया अभी और चौथी बात ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो जो हायर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है एडिशन नहीं है पर अनवाइंडिंग है तो मेरा मानना है कि इधर एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी रेमंड में आज के लिए मेरा टारगेट 865 से लेके 870 के देख के रहेंगे और इसके लिए स्टॉप लॉस जो मैंने 833 बोला था अभी स्टॉक थोड़ा सा भाग गया है तो 840 कर लेना चाहिए और अगर हम पोजिशनल व्यू लेते हैं 2 दिन का वक्त देते हैं ट्यूजडे तक का तो मेरा मानना है कि 900 के ऊपर के लेवल तक को देखने को जरूर मिल जाने चाहिए इस काउंटर पे जुड़ते हैं निफ्टी पे आपकी राय लेते हैं कल हमने लगभग 12,000 का एक रिकॉर्ड स्तर देखा निफ्टी पे और फिलहाल ये लगभग 140 पॉइंट ऊपर चल रहा है स्पॉट में 162 पॉइंट ऊपर आपकी क्या राय बन रही है फिलहाल निफ्टी पर 11,820 मेरा मानना है कि जो कल की अनवाइंडिंग देखने को मिली वो तो प्रॉफिट बुकिंग थी और जो इंथुजियाज्म में लोग आ गए थे उनका ट्रैपिंग होने के उसके कारण ये थोड़ा सा हमें कल सेकेंड हाफ में एक क्रैक देखने को मिला आज सवेरे से कंसिस्टेंटली डिमांड देखने को मिल रही है और जिस तरीके से ऑप्शन डेटा देखने को मिल रहा है मेरा मानना है कि 11,900-11,950 के लेवल्स आपको सोमवार मंगलवार के पहले देखने को मिल जाने चाहिए 11,900 की आप बात कर रहे हैं सोमवार मंगलवार तक देखने को मिलेंगे इस वीकली एक्सपायरी तक फिर क्या अटेम्प्ट होने वाला है 12,000 की ओर या फिर वो थोड़ी सी दूर की कौड़ी नजर आ रही है किरण हाँ नहीं 12,000 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है अभी पर 11,900-11,950 के जब इर्द गिर्द पहुंचेंगे तो सोमवार को वापस हमारी बात होगी तो उस पर रिव्यू ले लेंगे दोनों पर एक बार नजर डालिए और ये बताइए यहाँ पर कितनी और चमक रहेगी क्या आज का दोपहर का बड़ा ट्रेड वेदांत टाटा स्टील है वेदांत बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन 156-158 पे हो चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से साथ इसने एक मूव दिया है 158 से लेके 162.50 जहां पे आज भी ट्रेड कर रहा है मेरा मानना है कि ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए 168 के टारगेट सबको सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए और इस ट्रेड के लिए 159.50 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए टाटा स्टील में भी मेरा मानना है जिस तरीके से ये मूव आ रही है मेरा मानना है कि इधर भी काफी अच्छा बेस बिल्डिंग 460 के करीब हो चुका है और इसमें एक छोटा सा बैरियर है वो रहेगा 487 तो पहले टारगेट्स 487 के रहेंगे 487 के ऊपर जब ये मूव जारी रहेगी तो फिर टारगेट 510 के करीब देखने को मिल जाने चाहिए 508-509 के लेवल्स तो दोनों में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है मेटल्स में वापस जान आती हुई नजर आ रही है किरण जी एक शेयर जो बहुत अच्छी तरीके से वापस आया है इन रिजल्ट्स के बाद इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद माफ कीजिए एग्जिट पोल्स के बाद वह है डीएलएफ जो स्टॉक लगभग 220 से करेक्ट होकर 170 के आसपास पहुंचा वहां पे पिछले 2-3 दिन से काफी अच्छी बाइंग दिख रही है और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी है आपकी राय डीएलएफ पर डीएलएफ पे आपके इंग्लिश चैनल पे मैंने परसों के दिन एक बाय कॉल दिया था एक इंपॉर्टेंट निकलाइन 178-179 लेवल्स की क्रॉस की थी उसने और तब से मेरा मानना है कि ये बहुत सॉरी मैंने गलत लेवल बोल दिया 171-172 के लेवल क्रॉस किए थे तब मैंने ये बाय कॉल दिया था 3 दिन पहले और उसके बाद इसने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया है मेरा मानना है कि ये मूव और भी कंटिन्यू होती रहेगी इसमें काफी शॉर्ट पोजिशन है और मेरा मानना है कि इस सीरीज मे सीरीज के बंद होते हुए हम करीबन 200 के ऊपर जाते हुए देखेंगे 200-204 एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है तो वो एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए जो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो है मुथूत फाइनेंस बहुत शानदार ब्रेकआउट है कल का जो बजट के एक्साइटमेंट वाला हाई था उसको भी क्रॉस कर लिया है तो मेरा मानना है कि मुथूत फाइनेंस अभी इधर से बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए वैसे भी वीकली चार्ट्स पे इसने ऑल टाइम हाईज क्रॉस कर दिए है तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है और कुल मिला के डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है तो मेरा मानना है कि ये बीटीएससी के तौर पे देखना चाहिए इसका स्टॉप लॉस रहेगा 641 का जो कि बहुत नजदीक है और टारगेट्स काफी बड़े हैं
मेरा मानना है कि सोमवार तक यानी आज के आधे घंटे तक के टारगेट्स करीबन 653 655 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, और अगर मंडे की बात करें तो मेरा मानना है कि इसमें करीबन 680 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग अंडर करंट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए सर फटाफट व्यू दीजिए, क्या इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करें? भारत फौज की बात हो रही है? हाँ, भारत फौज मेरा मानना है कि एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन चल रहा है, इसका कंफर्मेशन आएगा 490 के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग मिले तब, तो मेरा मानना है कि अंडर करंट है तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। इसका पोजिशनल व्यू के हिसाब से 460 का स्टॉप लॉस रहेगा, पर मेरा एग्रेसिव बाइंग 490 के ऊपर ही होगा। जी, आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से फिलहाल ऊपर बढ़ा हुआ, लगभग 8.1% ऊपर और दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर चलता हुआ, आपकी राय बैंक ऑफ बड़ौदा पर? जाधव साहब से ये प्रश्न था। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, पर कल का जो पैनिक हाई हुआ था उसके बाद जो यूटर्न लिया था वो चार्ट पैटर्न थोड़ा सा खराब बनता नजर आ रहा है, पर नीचे से वापस एक बार एक अच्छी मूव कंसोलिडेशन और उसके बाद आज वापस एक बार अच्छी मूव, ये काफी अच्छे संकेत दे रहा है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा कॉशियस व्यू लेके बुलिश रहना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रहेगा 130 का, 137 पे ट्रेड कर रहा है, और मेरा मानना है कि पोजिशनल व्यू के हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए, और मेरा टारगेट अगले 2-3 हफ्ते का अगर बात करें तो करीबन 153-155 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ओरिएंटल बैंक बिल्कुल लॉन्ग पोजिशन ही रखने चाहिए, एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और मेरा मानना है कि ये वापस तैयारी हो रही है 115-118 के लेवल्स टेस्ट करने की, ये पहले टारगेट्स रहेंगे और मेरा मानना है कि ये वापस एक बार अगर आप 6-8 महीने देते हैं तो 150 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए, तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, लॉन्ग करके चलना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस 96 का रहेगा। ओके, तो आपने एलएनटी ही शॉर्टलिस्ट किया है, बताइए क्या लेवल्स आप देख रहे हैं अगले 5 सालों में? 5 सालों में ये 3200 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए, इसके टेक्निकल कारण जो रुझान देखने को मिल रहा है वो काफी स्ट्रांग है, जो जिस तरीके का ब्रेकआउट है मेरा मानना है कि इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी निवेशक ने, और ये एक लगाड़ रहा था पूरे पिछले 3-4 साल में, इसने एक रेंज में था करीबन 1200 ऑन द लोअर साइड और करीबन 1470 ऑन द हायर साइड, 3-4 सालों के बाद ये पहली बार इसने ये मूव ब्रेकआउट दिया है इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, और जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है अगर मंथली चार्ट भी देखते हैं तो 2006 से लेके तो एक असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो इसका टारगेट बहुत बड़ा आता है एक्सटेंशन डाल के, तो मेरा मानना है कि 3200 का आपका टारगेट रहना चाहिए 5 साल का, और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो बहुत नजदीक है 1430, 100 रुपए की रिस्क है और करीबन इधर से डबल के ऊपर के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 130 पर अगर कोई नई पोजीशन खड़ी कर रहा है अगले हफ्ते का टारगेट क्या रहेगा और स्टॉप लॉस भी बताइए? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मेरा मानना है कि मेरा स्टॉप लॉस करीबन 122 का रहेगा और पोजिशनल व्यू के हिसाब से करीबन 145-146 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए।